हेलो एंड वेलकम प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का जीत फाउंडेशन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ से भी काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंट है, क्योंकि इसके बिना तो ना हमारा दिन होता है और ना ही हमारी रात कम्प्लीट होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया के जितने भी नेटवर्किंग साइट्स हैं उन सब के ऊपर आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जो आज का जो जनरेशन है वो उम्र का कोई भी दराज का पर्सन हो, चाहे वो वयस्क हो, टीनेजिंग हो या एकदम बुजुर्ग लोग हो, सभी लोग कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स का डेली बेसिस पे यूज़ कर ही रहे हैं, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो एग्ज़ाम में भी आपके उसके सवाल आने तय हैं। समझ में आ रही बातें? क्योंकि ये जो सोशल नेटवर्किंग वाला जो फोरम है ना, ठीक है, इस पर आपके एक या दो क्वेश्चन तो 110% बनेंगे ही बनेंगे। इसको समझ लो सिलेबस का पार्ट ना मान के ना, इसको आप लोग ना करंट अफेयर्स के पार्ट की तरह भी सोच सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पे हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक एक साइट्स को अच्छे से देखिएगा और सारी चीज़ों को दिमाग में आप लोग स्टोर करते जाइएगा, ठीक है। पूरा रटने वाला टॉपिक रहेगा, तो अपने अंदर बस मेमोरी में इसको आत्मसात करना है, साथ में चलते रहिए, और चीज़ों को हम रिपीट करेंगे ना, तब आप लोग को आंसर करना है अपने मन से ही। अब मैं बैठ के तो वहाँ देख नहीं रहा हूँ कि कौन पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, इसलिए जब भी मैं बीच में सवाल पूछूंगा आप लोग स्वयं से क्या करेंगे, उसका अपने से जवाब देंगे, ठीक है। आप समझ जाना कि आपकी आवाज़ आपका जवाब मुझ तक पहुंच गया। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो सोशल नेटवर्क ये जो वर्ड आया था ना, इसको दिया था किसने, तो ये नाम याद रखना, दैट वॉज जे ए बार्नेस। वो पहले आदमी थे जिन्होंने 1954 में, मतलब हमारे गणतंत्र के ठीक 4 साल बाद, सोशल नेटवर्क वाले शब्द का क्या किया, प्रचलन किया। तो कौन था नाम, तो याद रखेंगे जे ए बार्नेस, ठीक है, जे ए बार्नेस। 3-4 बार दिमाग में रिपीट करो कि भैया बार्नेस ने क्या किया, सोशल नेटवर्किंग वर्ड का यूज़ किया। और ये सोशल नेटवर्किंग अगर देखा जाए बैडली यूज़ करेंगे तो ज़िंदगी बर्न कर देती है, इसलिए नाम में रहेगा क्या, बार्नेस, ठीक है। चलिए सोशल नेटवर्किंग साइट में जो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाम आते ही सबसे पहले जिसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दिया, आज पूरी धरती की जितनी आबादी है ना, ठीक है, तो अकेला फेसबुक उस आबादी का लगभग 75-80% लोग फेसबुक पे हैं। तो फेसबुक, मार्क जकरबर्ग नाम आते ही इसका सब लोग के दिमाग में आ जाता है कि भैया सोशल नेटवर्किंग साइट जो फेसबुक था कब बना, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो कब बना भैया, तो 2004 में बना। किस बंदे ने बनाया, तो मार्क जकरबर्ग ने बनाया, ठीक है, उस समय ये कॉलेज स्टूडेंट थे। तो इसे फेसबुक कंपनी द्वारा संचालित या नियंत्रित किया जाता है। 13 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी जो व्यक्ति है, ठीक है, जिसके पास एक ऑफिशियल वैलिड उसका अगर ईमेल आईडी है, वो फेसबुक पे अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। 13 वर्ष से कम के लिए वहाँ पर जगह नहीं रहती है, बट आपको ही पता है 8-8, 10-10 साल के बच्चे कुछ भी रेंडम टाइप का अकाउंट ओपन करके फेसबुक चला रहे होते हैं। आजकल फेसबुक का प्रचलन कम हुआ तो उसी के तौर पर इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ, ठीक है। वर्तमान में जो फेसबुक है उसका नाम बदल के उसका नाम मीटा किया गया है। क्या किया है, मोटा लिखा गया, ये मीटा है। क्या नाम रख दिया गया है, मीटा नाम रख दिया गया है, और इसको इन्फिनिटी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका रंग क्या है, नीला है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसको मार्क किया है कि वर्तमान में फेसबुक का नाम क्या रखा गया है, मीटा। फेसबुक के CEO या संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग है, क्लियर है। कब बना, 2004 में बना। तो फेसबुक से रिलेटेड ये 3-4 पॉइंट आप लोग को स्पेशली याद रखना है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्विटर। ट्विटर वो इकलौता सोशल मीडिया साइट है, अभी ट्विटर पे बहुत ज़्यादा आप लोग भी करंट अफेयर्स अभी सुन रहे हैं। इलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, उन्होंने ट्विटर को खरीदने की बात कही थी, ठीक है, डील के दिन वो पीछे हट गए, अभी हाल फिलहाल में पूरा चल रहा है। तो ट्विटर की जो पूरी टीम है वो इलॉन मस्क पे केस कर रही है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी पे, जो कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक पूरा का पूरा एक सिलसिला चलेगा, क्योंकि ये साइबर क्राइम का केस है, या इस पे पूरी तरह से क्या करेंगे, एक लंबा दौर चलेगा अभी। अब देखना रहेगा कि कौन जीतता है नहीं जीतता है, पर अगर इलॉन मस्क यहाँ से पीछे भी होते हैं, ये भी बात जान लेना, अगर वो डील को तोड़ते हैं, क्योंकि वो ऑफिशियली अनाउंस कर चुके थे हम ट्विटर को खरीदेंगे करके, तो अगर वो पीछे भी होते हैं तब भी उनको अपना ये स्टेटमेंट को मेंटेन रखने के लिए या इसको तोड़ने के लिए उनको कम से कम $1 अरब, मतलब लगभग 7,500 करोड़ के आसपास उनको देना पड़ेगा। तो एक शब्द की कितनी कीमत है, एक डिसीजन का कितना कीमत है, वो आप समझ सकते हैं।
चलिए अब जो भी है इलॉन मस्क समझेंगे, ट्विटर की टीम समझेगी, हमको तो फिलहाल पढ़ाई से मतलब है कि जो ट्विटर है, ट्विटर का ट्वीट का इतना वैल्यू रहता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑथराइज्ड पैनल पे या सबसे ज़्यादा वैलिड फॉर्मेट में जिस ट्वीट का, जिस संवाद का महत्व माना जाता है वो है ट्विटर। इस पे आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर एक्टर एक्ट्रेस से लेकर दुनिया के चर्चित व्यक्तित्व तो सभी पाए जाते हैं, उनके ट्वीट को बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं। तो इस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना कि किस वेबसाइट को माइक्रो ब्लॉगिंग का नाम दिया जाता है, तो वो है ट्विटर। ठीक है, ट्विटर टेक्स्ट आधारित एक छोटा संदेश है जिसमें अधिकतम कितने वर्ड्स की कैपेसिटी होती है, तो 280 अक्षर। मतलब आपको अपना जो भी ट्वीट करना है, जो भी संवाद आपको डिलीवर करना है, वो 280 कैरेक्टर के अंदर ही आने चाहिए। इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि ट्विटर का रेंज कहां तक होता है, 280 कैरेक्टर तक। ठीक है, ट्विटर वेबसाइट का आरंभ 2006 में हुआ, जिसे जैक डॉर्सी, ये नाम याद रखेंगे सभी लोग, जैक डॉर्सी, ट्विटर का संस्थापक कौन, जैक डॉर्सी ने किया था। इसे एसएमएस ऑफ इंटरनेट की संज्ञा दी गई। क्या नाम दी गई कि भैया 280 कैरेक्टर में हो रहा है ना। पहले जब आप लोग टीपी टापा मोबाइल जब यूज कर रहे होते हैं तब आप लोग एसएमएस सेंड करते थे, तब तो व्हाट्सएप उतना प्रचलन में था नहीं, हालांकि व्हाट्सएप बंद बहुत पहले गया था, पर एशियन कंट्री या हिंदुस्तान में एक समय के बाद आया। जैसे हम लोग को याद है हमारे स्कूल लाइफ में तो भैया वो एसएमएस वाला ही सिस्टम चलता था, 10 रुपये में 100 एसएमएस मिलता था। हम नहीं करते थे, मतलब हम देखते थे, आनंद तो आता ही था। चलिए मजाक की बात है। तो वो जो एसएमएस होता था ना, आपको भी पता है उसका एक रेंज होता था, 100 एसएमएस, 150 एसएमएस, ऐसे वर्ड्स में होते थे। तो ट्विटर के एसएमएस कितने वर्ड में हो रहे हैं, 280, तो ये अपने आप में एक एसएमएस माना जा रहा है। इसीलिए ट्विटर को क्या नाम दिया गया, एसएमएस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का एसएमएस कौन है, ट्विटर। ठीक है, और ट्विटर के उपयोगकर्ता को क्या नाम दिया जाता है, तो ऑथर का नाम दिया जाता है, लेखक का। ऑथर मतलब लेखक, जो एसएमएस लिख रहा है, जो ट्वीट लिख रहा है, वो क्या है, उपयोगकर्ता, उसको ऑथर का नाम देंगे। तो ट्विटर से रिलेटेड 5-6 पॉइंट, संस्थापक कौन, जैक डॉर्सी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, कब बना, 2006 में। किसको हम लोग माइक्रो ब्लॉगिंग का सोशल नेटवर्किंग बोलते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो वो ट्विटर है। ठीक है, एसएमएस ऑफ इंटरनेट किसका नाम है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ऐसे करके ऑप्शन डाल देगा। किसको लगाना है आप लोग को, ट्विटर को लगाना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ट्विटर से रिलेटेड। नेक्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट पे आते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, दैट इज यूट्यूब। अभी जो आप लोग वीडियो भी देखते हैं, ज़्यादातर वीडियोज़ आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं। यूट्यूब हमारे इंडिया जैसे कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ा एजुकेशनल रिवोल्यूशन भी लेकर आया, इंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, कुछ सीखने की चीज़ें हैं, कुकिंग, ये जो भी हॉबी है आपको, एक एक आज के डेट में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है ना कि कोई भी इंसान बड़े एकदम आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है। जैसे अब कोई मान लीजिए कोई भी है, किसी को कुछ रेसिपी बनाने नहीं आता, तो तुरंत उसके मुंह से ये निकलता है, यूट्यूब पे देख के सीख लूँगा। किसी को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, यूट्यूब पे देख के सीख लूँगा। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया है, लोगों के सीखने का एक नज़रिया बदल दिया है यूट्यूब ने। अब ये जानेंगे कि ये यूट्यूब जो इतना बड़ा आज के डेट में हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, इसके संस्थापक कौन थे, तो वो महान लोगों का अभी हम नाम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा कि गूगल कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है इसको, और ये वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है, इस पे सवाल पूछ चुका है, ये सवाल पूछा जा चुका है कि यूट्यूब क्या है, तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट या प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कौन ऑपरेट कर रहा है, गूगल, बाद में इसको गूगल टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, वीडियो के अपलोड करने, डाउनलोड करने, देखने, ईमेल के जरिए भेजने, कमेंट करने, इन सभी की सुविधाएं यूट्यूब पे होती हैं। जैसे आप लोग खुद ये वीडियो अगर देख रहे होंगे, अगर ये यूट्यूब पे जाता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं, जो आप करते नहीं हैं किया करो। ठीक है, अच्छी बात है शेयर करना, लोगों को बताया करो, लाइक का भी बटन होता है उसको भी दबा दिया करो, अच्छा लगता है तो, है ना। चलिए, जो ये नाम याद रखना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पेपाल करके एक कंपनी थी जिसके 3 कर्मचारी थे, नाम याद रखेंगे, चॉड हार्ली, ठीक है, स्टीव चैन और साथ में जावेद करीम। ये 3 लोगों ने संयुक्त रूप से 2005 में किसकी स्थापना की थी, यूट्यूब की स्थापना की थी। तो यूट्यूब के संस्थापक जिन्होंने पूरी दुनिया में एक नया रिवोल्यूशन लाया, उनका नाम याद रखना, 3 लोग रहेंगे त्रिदेव, कौन कौन, हर्ली रहेंगे, हर्ली, चैन, करीम। ठीक है, ओके, मतलब ऐसे सोच लेना कि जो करीम नाम के व्यक्ति रहेंगे, ठीक है, हार्ली डेविडसन का बाइक खरीद के चैन से उसको चलाएंगे, ये नाम याद रख लेना। तो करीम, चैन, सॉरी, करीम, हार्ली, या हार्ली और चैन, हार्ली डेविडसन की बाइक आपको पता है ना, थोड़ी बुलेट टाइप की दिखती है, प्यारी सी, थोड़ी सी महंगी आती है, बट हाँ अच्छी बाइक है,
महंगी आती है तो भैया वैसा उसका रहता भी है। चलिए नेक्स्ट आता है फोर्थ हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स में हम लोग देखते हैं इमोजी, जो व्हाट्सएप पे और आजकल टेलीग्राम पे या सभी जगह पे काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। सभी लोग अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए बड़े बड़े शब्द ना लिख कर एक छोटा सा इमोजी भेज देते हैं, चाहे सैडनेस का हो, हैप्पीनेस का हो, क्रेजी पने का हो। तो वो इमोजी भी अपने आप में क्या थी, एक सोशल नेटवर्किंग साइट ही थी और इसका अन्य नाम इमोटिकॉन के नाम से जाना जाता है। इमोटिकॉन का जो शब्द है ना, ये देखो, ये इमोट करके अलग कर लो और आइकॉन करके अलग कर लो। इमोट से क्या बन गया इमोशन और आइकॉन से क्या बन जाता है निर्माता, ठीक है। मतलब इन दोनों को मिला के देख लिया जाए तो जो इमोशन प्लस आइकॉन, ठीक है। ईमेल तथा ऑनलाइन चैट के दौरान अक्षर या चिन्हों की मदद से भावनाओं को व्यक्त करने में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या अलग नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उन सभी जगह आप लोग इसका प्रॉपर यूज़ करते ही हैं और डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्लेम, फ्लेम के नाम से ही जान लेना, फ्लेम मतलब चीज़ों को क्या होता है जलाना, तो जलाना का मतलब क्या होता है भावनाओं को हर्ट करना। तो यहीं से आप समझ जाएंगे कि ईमेल पे चैटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इंटरनेट यूजर द्वारा अवांछनीय या अपमानजनक भाव का जो प्रयोग किया जाता है जिससे लोग जलते हैं, लोगों को हर्ट होता है, वो चीज़ क्या कहलाती है इंटरनेट में, उस शब्दावली को नाम दिया जाता है फ्लेम, ठीक है। नेटिकेट, नेटिकेट जो वर्ड है इसके बारे में जानो कि ये एटिकेट से, एटिकेट का मतलब क्या होता है शिष्टाचार, ठीक है। तो नेट पर जब शिष्टाचार करेंगे, नेट इसके आगे लगा दो, इंटरनेट की बात हो रही है, तो नेट पर एटिकेट मतलब इंटरनेट पर शिष्टाचार, इसका मतलब ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस दौरान जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने हेतु जो अपेक्षित और शिष्ट व्यवहार होता है उसको हम लोग किस टर्म से नोटिफाई करते हैं, तो नेटिकेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैश, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इन सबको याद रखेंगे। शुरू वाले हमारे क्या थे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स थे और ये सब कई बार पूछ भी देगा नेटिकेट क्या है, तो उसमें चार ऑप्शन देगा, आपको पता होना चाहिए। फ्लैम क्या है, फ्लैश क्या है, चार ऑप्शन देगा, दिमाग लगाने आना चाहिए। तो फ्लैश का मतलब होता है वीडियो गेम्स द्वारा उपयोग करने वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखेंगे। और ये माइक्रोमीडिया कंपनी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है, वेब पेजेस पर एनिमेशन, साउंड, इंटरएक्टिविटी, ठीक है, ये सभी प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं फ्लैश का, ताकि वो उसको एट्रैक्टिव एटमॉस्फियर दे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। चलिए अब यहाँ से ना, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट पढ़े, अब जो मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ ना, ये ओवरव्यू रहेगा। इसमें हमने अभी तक कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट पढ़े थे और कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी पढ़े थे जो सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ करते समय हम लोग को देखना रहता है, जैसे फ्लैश आया आप लोग का, फ्लेम आया, नेटिकेट आया, ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जब आप सोशल नेटवर्किंग साइट या कभी भी चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, उस समय इस स्पेशल टर्मिनोलॉजी को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैंने उस पर बात कर ली। यहाँ से जो चीज़ें होंगी प्यारे साथियों, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको थोड़ा सा फोकस में रखेंगे। जैसे पहला हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट हम लोग क्या ले रहे हैं, फेसबुक। स्थापना कब हुई थी, तो अभी पढ़े थे 2004 में। इसके संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है, चाइनीज से शादी किए अपना चाइना में बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए, ठीक है। ये एडोराडो, इसमें तीन चार और नाम है, ये सारे नाम को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सब लोग भी उनके साथ थे और मेन जो उनके सीईओ कहे गए वो कौन है, मार्क जुकरबर्ग। और वर्तमान में भी जो फेसबुक के सीईओ हैं वो कौन है, मार्क जुकरबर्ग ही हैं, ठीक है, कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। एक और इनके बारे में एक अच्छी बात है कि सोशल नेटवर्किंग साइट से रिवेन्यू बहुत हाई होती है ना, कई बार दो से तीन बार ऐसा भी हुआ है कि मार्क जुकरबर्ग ने अपनी 99% जो संपत्ति उसका दान किया है, तो ये विश्व में एक अलग मिसाल भी है, ठीक है। जो लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज हैं या जो जो पुराने पिछड़े देश हैं उन सब के विकास में जो बड़े बड़े हमारे, चाहे वो बिल गेट्स हो जाए, मार्क जुकरबर्ग हो जाए, जो बड़े लोग हैं विश्व में जिनका टॉप 10, टॉप 20 में अमीर लोगों में नाम आता है, वो लोग ऐसे बड़े बड़े कदम भी लेते हैं, क्योंकि उनको पता है अगले साल तक फिर उतना आ जाना है, ठीक है। चलिए आपके पास भी अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए 50,000-60,000 करोड़, आप भी करना। चलिए दूसरा है ट्विटर की बात। ट्विटर कब बना, 2006 में। कौन बनाया, जैक डोर्सी। और वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं वो हैं पराग अग्रवाल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब लोग याद रखेंगे, पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पराग अग्रवाल भारतीय मूल से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए इन पे सवाल बनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी ट्विटर क्या है, आप समझ लीजिए कि ट्विटर तो अभी फिलहाल के लिए ट्रेंड में भी है ना,
क्योंकि अभी पूरा विवाद भी चल रहा है, ठीक है, तो करंट अफेयर्स का भी टॉपिक बन गया। चलिए तीसरा नाम यूट्यूब। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? तो भैया वैलेंटाइन डे के दिन हुई थी, बहुत शुभ दिन हुआ था ये, है ना। 14 फरवरी 2005 में यूट्यूब की स्थापना हुई, तीन लोगों ने मिलकर किया था। आप सभी ने देखा था कि करीब हार्ली खरीद कर चैन से इंजॉय करेगा, चलाएगा उसको, तो जावेद करीम, चौड़ हार्ली और स्टीव चैन, ये तीन लोगों का नाम आप लोग दिमाग में रखिएगा। ये लोग यूट्यूब के संस्थापक थे, पेपल की कंपनी में पहले काम कर रहे थे, बाद में उन्होंने अपनी एक चीज़ बनाई। और अभी यूट्यूब को किसने हैंड ओवर कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है, तो वो है गूगल ने। वर्तमान CEO जो हैं यूट्यूब के, ये सब भी पूछ सकते हैं ना CEO, इसीलिए मैंने सबका क्या किया, एक साथ एक बंच बनाकर आपके सामने रख दिया है, ताकि आपको कहीं भी अलग से जाकर रिसर्च करने की जरूरत ना पड़े। वो कौन है भैया, तो आप सब साफ साफ देख सकते हैं, सुसान वोजसिकी, ये अभी यूट्यूब के वर्तमान CEO हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम, ठीक है, ट्रेंड में चल रहा है ना, ठीक है, टिकटॉक तो हटा दिए, बच गया इंस्टाग्राम। हेलो, जब टिकटॉक आया था ना, हम ईमानदारी से बताएं, हम कभी टिकटॉक देखे ही नहीं, ठीक है, हमको बड़ा मतलब थोड़ा सा अपना अपना रहता है, पर हमको नहीं भाया टिकटॉक, हम देखे ही नहीं कभी उसको, और बाद में पता चला कि उसको बैन भी कर दिए, ठीक है, चाइना माल था, हटाओ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो केविन स्ट्रॉम थे, माइक क्राइगर थे, ठीक है। और वर्तमान कौन है? तो वर्तमान CEO केविन स्ट्रॉम है, ये पहले थे, ध्यान सुनना, ये पहले थे। अभी कौन है? एडम मोसेरी। एडम मोसेरी इंस्टाग्राम के रिसेंट CEO हैं, और इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये दो को आप लोग को ज़्यादा स्पेशली, और स्पेशली यूट्यूब, ये तीन को ज़्यादा, क्योंकि देखो फेसबुक सबको याद रहता है, यही चार मेन रहे, फेसबुक सबको याद रहता है, व्हाट्सएप पे ज़्यादा सवाल पूछेगा नहीं। इंस्टाग्राम आज के डेट में एक नया, पूरा समझ लीजिए कि रिवोल्यूशन है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऐप है, इंटरकनेक्टेड है फेसबुक से, ठीक है। बट अभी जो उसके रिलेटेड जो फैक्ट हैं, और जो आपका मैंने ट्विटर का नाम लिया, ट्विटर क्या अभी रिसेंटली ट्रेंड में है, इलॉन मस्क का ट्विटर के साथ जो भी अभी संवाद चल रहा है, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके कारण उसका करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। और आपको पता है कि ये क्वेश्चन या तो कंप्यूटर में पूछ देगा, या तो करंट अफेयर्स के मुद्दे में पूछ देगा, कि बड़ा मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। तो इन दोनों के बारे में मैंने जितनी बातें आपको बताई वो एकदम दिमाग में कंठस्थ रहे, ठीक है। इंस्टाग्राम से रिलेटेड बात में, अभी उसके वर्तमान CEO कौन है? एडम मोसेरी। कौन है? मौसी जी हैं, सीधी सी बात है। इंस्टाग्राम कौन चला रहे हैं? मौसी जी चला रही हैं, मोसेरी चला रही हैं, ठीक है, एडम मोसेरी। चलिए नेक्स्ट है व्हाट्सएप, सभी लोग यूज कर रहे हैं, है ना जी। ये वैलेंटाइन डे के 10 दिन बाद बना, 24 फरवरी को बना, 2009 में, ठीक है। संस्थापक कौन थे? तो जेन कुम और ब्रायन एक्टन थे। और फिलहाल वर्तमान में इसके CEO जो हैं वो कौन है? तो विल कैथकॉट हैं। कौन है? विल कैथकॉट, ठीक है। विल गेट्स जैसे याद रखते हो माइक्रोसॉफ्ट का, इसका भी याद रखना, विल कैथकॉट। तो इसको कैसे याद रखेंगे? विल कहाँ बिल कर रहे हैं? कपड़े में, तो कपड़े को काट दिए तो बिल हो गया, तो बिल कैथकॉट, ठीक है, कपड़े को क्लॉथ बोलते हो ना। चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ हमारा है लिंक्डइन। लिंक्डइन भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि जॉब प्रोफाइल या कुछ आपके बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी स्पेशल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर अच्छी चीज़ें या आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएँ, उसके लिए लिंक्डइन का नाम सबसे पहले आता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये इंफॉर्मेशन, डाटा, डॉक्यूमेंट, ये सब शेयर करने में तो यूज़ होता ही है, बट इनका जो मेज़र जो रेंज है, जो पब्लिक जो यूज़ करती है, वो एंटरटेनमेंट के पर्पस यूज़ करती है। बट जो आपका लिंक्डइन है, लिंक्डइन कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि पढ़े लिखे लोगों का घर है, वहाँ पर जॉब के बारे में अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, या आप अगर अपना बिजनेस या स्टार्टअप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वहाँ आपके जैसे ही बहुत से लोग रहेंगे, एक टीम बन जाती है। जैसे हमारे खुद के भी बहुत सारे दोस्तों ने लिंक्डइन से ही ऑनलाइन टीम बना के अच्छे अच्छे स्टार्टअप किए, और अभी लॉकडाउन के 2 सालों में काफ़ी अच्छा उन्होंने चीज़ों को ग्रो भी कराया, ठीक है। संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, कोई पढ़ा लिखा लोग रहेंगे, तो पढ़े लिखे लोग मतलब रीड मतलब पढ़ना, तो रीड हॉफमैन और उनके साथी, ठीक है। लिंक्डइन मैंने बोला पढ़े लिखे लोगों का जगह है, तो पढ़ना मतलब रीड, इसके संस्थापक कौन रहेंगे? नाम से याद रह जाएगा, रीड हॉफमैन, ठीक है। और वर्तमान CEO कौन है? तो रियान
रोसलॉन्स्की है इसके वर्तमान CEO, ठीक है। अच्छा नाम है ना, रेयान। शाहरुख खान के बेटे का भी यही नाम था ना, शाहरुख खान का बेटा, याद रख लेना। जिससे भी आप लोग को याद रखने में आसानी, और जरूरी नहीं है पूरा नाम आप लोग को रटना है, एक टुकड़ा भी अगर आप लोग को याद रहेगा तो ऑप्शन में तो आपके सामने आंसर रहता ही है, बस आपको उस आंसर को क्लिक करना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो आपके सामने आंसर परोस के दिए रहता है, बस आपको अपनी मेमोरी में इतना चीजें रख लेनी है कि वो आपको जो सामने आंसर दिया ना उसको बस खींच लेना है सही सही। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर जहाँ दिक्कत जा रहा है ना वहाँ तोड़ दो। जैसे शाहरुख खान का बेटा रहेगा अभी फिलहाल का CEO लिंक्डइन का, लिंक्डइन का संस्थापक कौन था, लिंक्डइन मैंने रिलेट करा है, पढ़े लिखे लोगों का जगह है तो रीड ऑफ में, ठीक है। चलिए, नाम है क्योरा। तो क्योरा के जो स्थापना हुई थी वो जून 2009 में हुई थी। संस्थापक कौन थे भैया, एडम डी एंगेलो और चार्ली चीवर, ठीक है। तो एंग्लो या एंगेलो चार्ली, ये दोनों नाम से याद रख लेना, ठीक है। और वर्तमान CEO कौन है, तो यही जो एडम डी एंगेलो थे ना, यही अभी इसके क्या है, वर्तमान CEO हैं। किसके, क्योरा के, ठीक है। लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये भी क्योरा। नेक्स्ट है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे भी हम लोग कई बार डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं, क्योंकि ये पिक्चर क्वालिटी को व्हाट्सएप जैसे पूरा बिगाड़ देता है ना फोटो वोटो शेयर करने से, टेलीग्राम वो काम नहीं करता, थोड़ा सा अच्छा भरोसेमंद है। सिक्योरिटी पर्पज से भी टेलीग्राम अच्छा है। व्हाट्सएप पे अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो आपको सारे लोग के नंबर डिस्पैच करने लगते हैं, मतलब वो रहता है अपना अपना, आप अगर कम्युनिटी टाइप का बनाओगे तो अलग बात है, बट ऐसे अगर ग्रुप बनाते हैं आप 10 लोगों को तो सबका नंबर दिखाता है, जो कहीं ना कहीं आज के डेट में सिक्योरिटी इश्यूज़ के मामले में थोड़ी सी चीज़ें सही नहीं हैं। टेलीग्राम में ऐसा कुछ नहीं है, एक पूरी तरह से प्रोटेक्टेड और लंबे समय तक आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसमें से चीज़ें डिलीट भी नहीं होती हैं। व्हाट्सएप एक टाइम के बाद चीज़ें उड़ा भी सकता है। संस्थापक कौन थे, तो भैया पावेल, ये कॉमन नहीं है, ये दो भाई हैं समझ लेना, ठीक है, पावेल डूरब और निकोलाई डूरब। और वर्तमान CEO कौन है, तो पावेल डूरब, ठीक है। टेलीग्राम के संस्थापक कौन, पावेल और निकोलाई डूरब, ठीक है। व्हाट्सएप की आंधी में टेलीग्राम थोड़ा सा ना कम फेमस हुआ या डूब गया मान लेना, तो इसके संस्थापक कौन रहेंगे, डूरब लोग, डूबा हुआ है, ऐसा डूबा हुआ जैसा नहीं है। जितने भी लोग एस्पिरेंट हैं उनके लिए टेलीग्राम सबसे अच्छी चीज़ है। हर एक इंस्टीट्यूट का अपना एक टेलीग्राम चैनल भी होता है जहाँ पर वो बच्चों से कम्युनिकेट करता है, नोट्स शेयर करते हैं, टेस्ट ऑर्गेनाइज की जाती हैं, एक कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम। व्हाट्सएप में वो उतना ज़्यादा सिक्योरिटी या उतना मेंटेनेंस नहीं हो पाती हैं चीज़ें। आज आप व्हाट्सएप ग्रुप में दिखेंगे तो आज की बात से आपको चीज़ें जो मैसेज जाएंगी वो दिखेंगी, टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। आज से 2 महीने पहले भी जो नोट्स डाले गए थे, डॉक्यूमेंट डाले गए थे, वो सब आपको दिखाएगा। तो इस मामले में कहीं ना कहीं व्हाट्सएप से ज़्यादा बेहतर है टेलीग्राम। बट वही कहते हैं ना कि लोग जिसको पसंद कर लिए वो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, हम ज़्यादा ही उसी के ही प्रचलन में रहता है। तो व्हाट्सएप की आंधी में टेलीग्राम डूबा, इसलिए संस्थापक कौन रहेंगे, डूरब लोग, ऑप्शन लगाते बन जाएगा। सबका नाम कैसे आप लोग को दिमाग में मेमोरी में याद रखना है, मैं उसकी चीज़ें बताते जा रहा हूँ, आप ऑप्शन लगाना भाई सही लगाना, ठीक है। तो पावेल डूरब इसके वर्तमान CEO हैं, और पावेल और निकोलाई डूरब मिल के क्या किए थे, टेलीग्राम की स्थापना किए थे। नेक्स्ट आता है प्यारे साथियों, नौवां हमारा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म में पिनट्रेस्ट। क्या नाम है, पिनट्रेस्ट। 2010 में यह अस्तित्व में आया, और पॉल सियारा, इवान शॉल और बेन सिल्बरमैन, ये तीन लोगों ने मिलकर पिनट्रेस्ट बनाया। ट्रेस्ट मतलब याद रखना तीन लोग, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री बोलते हैं ना ट्राई ट्रेस, तो उसी तरह से तीन लोगों ने मिलकर पॉल, इवान और बेन सिल्बरमैन, ये तीन लोग मिलकर क्या बनाएंगे, पिनट्रेस्ट बनाएंगे। और वर्तमान CEO कौन है इसके, तो बेन सिल्बरमैन है। कौन है, बेन सिल्बरमैन है, ठीक है। तो इसलिए देखो ये नाम आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नया सुनने भी लगा होगा, इसलिए तो मैंने आप लोगों को बोला ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को अलग अलग जाके सर्च करनी पड़ती है, पर प्यारे साथी वो आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं। हम खुद रिसर्च कर करके जगह जगह से चीज़ों को आपके सामने ला के रख रहे हैं, और ये बहुत दुर्लभ हो जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे बाहर सवाल आ जाए, होता नहीं है ऐसा। कई एग्जामों में हम लोग स्वयं को प्रमाणित करते आ रहे हैं, तो आप भरोसा रखिए, जो चीज़ें आपको कराई जा रही हैं उस चीज़ पे, उस कंटेंट पे भरोसा रखिए। बस हाँ, टाइमली रिवीजन करते रहिए, अपनी पढ़ाई में गैप मत लाइए, आप जरूर सफल होंगे, ठीक है। असफल क्या, हम तो भैया पूरी उम्मीद करते हैं कि रैंक आए, तो भैया हमारे यहाँ से ही आए। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग। अरे ये तो गड़बड़ हो गया मामला, हाँ बच गए।
हम ही फंस गए थे। चलिए आज ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका है, आया हुआ क्वेश्चन है, खुद हॉस्टल वार्डन का ही आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, मेरे ख्याल से 2014 वाले एग्जाम में आया था। पूछा गया YouTube क्या है, YouTube ईमेल है, वीडियो मेकर वेबसाइट है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, वीडियो सॉफ्टवेयर है। तीन से चार व्यापम के अलग अलग एग्जामों में पूछ चुका है इसको। क्या होगा भैया? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। आप वीडियो शेयर कर पाते हैं ना? नहीं कर पाते तो आज जाके इस वीडियो को शेयर करके देखिए, होता है नहीं होता है YouTube से, ठीक है। सब में शेयर करना, जितने भी आपके फोन में जितने भी दोस्त होंगे ना जो तैयारी कर रहे होंगे, सब में शेयर कर देना। चलिए आइए नेक्स्ट, फिर पता चलेगा YouTube करता है नहीं शेयर। इंटरनेट एक्सप्लोरर खाली स्थान के अंतर्गत आता है भैया। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है? तो आप सब लोगों को पता है इंटरनेट एक्सप्लोरर अपने आप में क्या है, वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंपाइलर क्या होता है? तो कंपाइलर आप सब लोगों को पता है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये लैंग्वेज कन्वर्टर सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। बाकी असेंबलर क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप समझ रहे हो, ठीक है। और आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस किसी भी मोबाइल का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, जिसको इंटरनेट एड्रेस के नाम से भी जानते हैं या इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। और उसी के थ्रू अगर वो कोई मोबाइल कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इंगेज होता है, तो उस आईपी एड्रेस के थ्रू उसकी शिनाख्त की जाती है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन से रिलेटेड भी हमने पूरी बातों को देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही क्रम है? तो शायद मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पूरे ईमेल को कैसे देखना है, उसमें यूज़र नेम और ये सारी बातें जो रहती हैं उनको आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो इसमें कौन सा ऐसा पर्टिकुलर सेगमेंट है जो उसको फुलफिल कर रहा है? तो भैया देखो, दो बार एट द रेट आना बिल्कुल सही नहीं है, इसमें कहीं भी एट द रेट नहीं आया है या स्लैश नहीं आया है, तो ये दोनों लोग भी गलत हैं। तो फाइनली कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कभी भी आप लोग ईमेल बनाते हैं, जैसे अपना भी आपने ईमेल बनाया होगा अपने नाम पे, तो आप लोग उसमें कोई ना कोई एट द रेट या सिंपल इस टाइप के कुछ ना कुछ तो यूज़ करते ही हैं, उसमें ऑप्शन ऐसे ही हम लोग सोच के बना लिए, ठीक है। कई सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको सोचना ही है, और आप आराम से उन सवालों को सही बनाएंगे। सभी लोग उनको सही बनाते हैं, बस आप डर जाते हैं। पढ़े रहेंगे तो आराम से बनेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर आपसे छूटेंगे और सब बनाएंगे। भैया जो सब बनाएंगे उसको तो हमको सही बनाना ही है, जो कोई नहीं बनाएगा उसको भी सही बनाना है, तब तो पोस्ट खींचेंगे, ठीक है। मेहनत कीजिए भाई, साथ में चलिए बस, बाकी हम इतना मेहनत करा देंगे कि आपको बाहर से जाने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? फेसबुक को के लिए क्या इंटरनेट जरूरी है? बिल्कुल है, बिना इंटरनेट कनेक्शन के या डाटा अगर आपके मोबाइल में नहीं हो तो फेसबुक आप ऑपरेट नहीं कर सकते। ट्विटर का भी वही हाल है, व्हाट्सएप का भी वही हाल है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। बिना इंटरनेट के कोई आप व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ट्विटर का मैसेज या टेक्स्ट को शेयर या सेंड नहीं कर सकते। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? शायद ये कराया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन था, या हॉस्टल वार्डन में आया हुआ क्वेश्चन था। अभी मैंने 2014 का पेपर भी आप लोगों के बीच में करवाया है, यूट्यूब पे अपलोडेड है वो। तो इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो वो क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? वेब पेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आ जाइए, प्रत्येक वेबसाइट के लिए होना चाहिए, भैया जो भी वेबसाइट होता है ना उसके लिए क्या होना जरूरी है? उसका आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस तो होता है, अभी अभी मैंने बताया, हर वेबसाइट का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। और दूसरा यूआरएल, यूआरएल का मतलब होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये एक ऐसा प्रोग्राम, ये समझ लीजिए कि कैसा पाथवे है जो आप इंटरनेट पे जब भी कुछ भी चीज़ों को सर्च करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर जो भी चीज़ आपको, जिस भी इंफॉर्मेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो एक पाथवे जनरेट करता है। उस पाथवे को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर, ठीक है। और वहाँ आपको वांछनीय जानकारी तक पहुँचाता है, ठीक है, इंटरनेट। तो ये दोनों ही होने जरूरी हैं, मतलब ऑप्शन कौन सा सही लेंगे हम लोग? सी वाला, ठीक है। हर वेबसाइट के लिए ये दोनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वेबसाइट वेब पेज पे बनता है। और वेब पेज में मैंने आप लोगों को बताया था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल के साथ साथ एचटीटीपी का भी यूज़ करते हैं ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो मैंने प्रोटोकॉल से रिलेटेड बातें बता दी, फिर उसमें आप लोग यूआरएल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि
निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सी चीज उपयोग करके एक वेब पेज लोकेट किया जाता है? लोकेट करना मतलब पता किया जाता है। तो भैया नाम में ही लोकेट है, मतलब उसके नाम में भी नहीं लोकेटर होना चाहिए, तो कौन सा लोकेटर है? तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, ये कुछ होता नहीं है, क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, मैंने गलती से यहाँ पर आप लोगों को यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर बोल दिया था ना, क्या इसको क्लियर कर लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके ऊपर आप लोगों को पूरी पढ़ाई पहले से कराई जा चुकी है, ठीक है, क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है, इसका क्या महत्व रहता है, ये सारी बातों को हम लोगों ने थ्योरी लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो होप्स ये सारी बातें अब आप लोग को अच्छे से समझ में आई, और आज का ये वीडियो आप लोग के सोशल नेटवर्किंग साइट पर था, और आप यकीन मान लीजिए कि यहाँ से कम एक या दो सवाल तो आपके आने एकदम 110% तय हैं। एक तो ये सवाल आएगा ही आएगा, अच्छी किस्मत रहेगी तो दो से तीन सवाल भी आ जाएंगे, और जनरली जितना मैं कराया हूँ उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारे के सारे खोज खोज के एक एक सोशल नेटवर्किंग साइट को कवर किया, उनके संस्थापक जाना, कब बना वो जाना, उसके वर्तमान CEO कौन है वो भी जाना, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को दो तीन बार अपने माइंड में रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।